हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास बायोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है शुक्राणु और अंडाणु में अंतर लिखे। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसका आप आंसर कैसे लिख सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में पूरा नंबर मिल जाए, ये चीज़ आज हम देखेंगे और आपके माइंड में हमेशा के लिए इस चीज़ को बैठा के छोड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल के बाद आपको आंसर में लिखना है शुक्राणु और अंडाणु में अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद आपको दो बॉक्स बनाना है जिस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है, और उन दोनों बॉक्स का हेडिंग देना है, एक में देना है शुक्राणु और दूसरा में देना है अंडाणु। अब इनमें अंतर आपको लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होगा कि शुक्राणु जो है एक नर जनन कोशिका है, शुक्राणु एक नर जनन कोशिका है, वहीं पर अंडाणु एक मादा जनन कोशिका है। दूसरा अंतर यह है कि शुक्राणु आकार में छोटा होता है और अंडाणु आकार में शुक्राणु के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, यानी शुक्राणु छोटा होता है, अंडाणु बड़ा होता है, आपको ये चीज़ याद रखना है। और तीसरा जो चीज़ है यहाँ पे, सबसे पहले आप इसका फिगर देखिए, उसके बाद तीसरा चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए इसका फिगर, शुक्राणु जो है यहाँ पे इसका अंतर होगा कि शुक्राणु की पूंछ होती है, मतलब इसकी पूंछ होती है, यहाँ पे देखिए आप पूंछ दिख रहा होगा आपको, वहीं पर अंडाणु की पूंछ नहीं होती है, इसका देख सकते हैं आप पूंछ नहीं होती है। उसके बाद देख सकते हैं ये अगला अंतर है कि यह तैर सकता है, मतलब शुक्राणु जो है ये तैर सकता है। क्यों तैर सकता है? क्योंकि ये अपना इसका पूंछ है और ये पूंछ के सहायता से तैर सकता है और ये तैरता भी है, जबकि अंडाणु तैर नहीं सकता है, ये अपने जगह में ही रहता है, अंडाणु कभी भी नहीं तैरता है, जबकि शुक्राणु तैर कर ही पहुँचता है अंडाणु तक। तो ये थे अंतर, आई होप कि आप समझ गए होंगे शुक्राणु और अंडाणु में क्या अंतर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।